जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें भक्ति काल के बारे में पढ़ेंगे और जिसमें हम कृष्ण का भक्ति काव्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। कृष्ण भक्ति काव्य प्रस्तावना। भक्तिकालीन सगुण भक्ति धारा में कृष्ण भक्ति काव्य में कृष्ण भक्ति को अधिक महत्व दिया गया है। ऋग्वेद का उल्लेख एक श्रोता ऋषि के रूप में होता है। छंदोग्योपनिषद में कृष्ण का उल्लेख देवकी पुत्र के रूप में हुआ है। महाभारत में कृष्ण का चरित्र विस्तृत रूप से चित्रित हुआ है। डॉक्टर भंडारकर ने सिद्ध किया है कि वैदिक ऋषि कृष्ण का महाभारत कृष्ण से कोई संबंध नहीं है। महाभारत में कृष्ण का जो वर्णन किया गया है वह कृष्ण सामान्य मानव का रूप है। पश्चात कृष्ण को नारायण विष्णु परम ब्रह्मा के रूप में प्रतिष्ठित हुए। कृष्ण चरित्र के संदर्भ में डॉक्टर विजेंद्र स्वातक लिखते हैं, वस्तुतः धर्म स्थापन उनके अवतार का प्रमुख और एकमात्र उद्देश्य है। यदि गीता के आधार पर कृष्ण चरित्र का आकलन किया जाए तो उनके दार्शनिक व्यक्तित्व का पूरी तरह उद्घाटन होता है। वेद वेदांगता। कृष्ण ने व्यवहारिक स्तर पर दर्शन को गीता में पहली बार प्रतिष्ठित किया, जिसके अनुशीलन से स्पष्ट हो जाता है कि जिस रूप में कृष्ण यहाँ वर्णित है वह उनके परम देवत्व का परिचायक रूप है। पुराणों में कृष्ण का जो रूप विकसित हुआ है, जिसके संदर्भ में पाश्चात्य विद्वानों ने कृष्ण की बाल लीलाओं को क्राइस्ट के बाल चरित्र के अनुकरण कहा है। श्री कृष्ण के पूर्वावतार के संदर्भ में पहली बार पुराणों में ही कहा गया है। भागवत पुराण में कृष्ण की महिमा गाई गई है। पुराणों में कृष्ण के योगेश्वर, सच्चिदानंद, अच्युत, अविनाशी आदि कहा गया है। हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण आदि में कृष्ण महिमा गान विस्तार से हुआ है। संस्कृत काव्य में कृष्ण लीलाओं का सबसे पहले उल्लेख अश्वघोष के ब्रह्मचरित काव्य में मिलता है। हाल रचित गाथा सतसई कृष्ण राधा गोपी यशोदा आदि का वर्णन है। नाट्य दर्पण अलंकार कौस्तुभ कंदर्व मंजरी श्री कृष्ण लीलामृत आदि संस्कृत ग्रंथ में कृष्ण के विविध प्रसंगों का चित्रण हुआ है। गीत गोविंद में कृष्ण श्रृंगार रस का चित्रण हुआ है। कृष्ण काव्य के विकास में विभिन्न संप्रदायों का योगदान रहा है, उनमें प्रमुख हैं निम्बार्क, चैतन्य, राधा वल्लभ आदि। वल्लभ संप्रदायों के सूरदास ने सर्वप्रथम प्रतिमा प्रदान की है। उन्हें हिंदी का भक्त साहित्य का प्रेरणा माना जाता है। अतः कृष्ण भक्ति का विकास में संस्कृत पुराण, महाभारत संप्रदाय आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कृष्ण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि। भक्ति काल के सगुण भक्ति काव्य धारा में कृष्ण भक्ति काव्य के प्रमुख प्रवर्तक सूरदास जी हैं। साथ ही कृष्ण भक्ति साहित्य के प्रणयन विभिन्न कृष्ण उपासक संप्रदायों में निम्मार्क, चैतन्य वल्लभ तथा राधा वल्लभ आदि किया गया है। इस धारा के विकास में सूरदास को अलग स्थान प्रदान है। इस धारा के विकास के अन्य कृष्ण भक्त कवियों ने अपना अतुल्य योगदान दिया है। उनमें प्रमुख हैं सूरदास, नंददास, परमनंददास, हित हरिवंश, ध्रुवदास, श्री भट्ट, स्वामी हरिदास, गदाधर भट्ट, मीरा बाई रसकान आदि। अतः उनका संक्षिप्त परिचय कृष्ण भक्ति साहित्य विकास को समझने में सहायक होगा। कृष्ण भक्ति साहित्य के प्रेरणा सूरदास। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। सूरदास जी के जीवन वृत्त को लेकर विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी माना जाता है। विभिन्न रचना के आधार पर जन्म सिंही नामक गांव और सासवरण ब्राह्मण और जाट जाति में उत्पन्न कहा गया है। उनके पिता के रूप में अकबर दरबारी गायक रामदास का उल्लेख किया जाता है। 84 वैष्णव की वार्ता में सूर के जीवन वृत्त पर प्रकाश डाला गया है। इस प्रकार है, सूरदास बड़े गायक थे। वे गऊ घाट पर निवास करते थे और विनय पद गाते थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य उनके पुष्टि मार्ग दीक्षित किया है। कृष्ण लीला गाने की प्रेरणा दी। उन्होंने श्री कृष्ण लीला में सहस्त्रविधि
पद लिखे जिनकी प्रसिद्धि सुनकर देशाधिपति अकबर उनसे मिले। सूरदास अंधे थे, वे ईश्वर और गुरु में कोई अंतर नहीं मानते थे। उन्होंने परासोली में प्राण त्याग दिए। सूर के मृत्यु के काल के संदर्भ में भी विद्वानों में मतभेद है, लेकिन अधिकांश सूर विद्वान सूर की मृत्यु 1583 स्वीकार करते हैं। उनके देहावसान समय पर विट्ठल दास ने शोकार्त होकर कहा है, पुष्टि मार्ग को जहा जात है, सो जाको कछु लेन होए सो लेड़। सूरदास की शिक्षा के संदर्भ में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। वे गांव से चार कोस दूर रहकर पद रचना में लीन रहते थे और गान विद्या में प्रवीण थे। सूरदास वल्लभाचार्य के संपर्क में आने पर सख्य वात्सल्य और माधुरी भाव की पद रचना करने लगे। सूरदास ने श्रीमद् भागवत के आधार पर श्री कृष्ण संबंधी रचित पदों की संख्या 125,000 बताई जाती है। डॉक्टर दीनदयालु गुप्त ने उनके द्वारा रचित 25 पुस्तकों की सूचना दी है, जिनमें सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, सूर पचीसी, सूर रामायण, सूर साठी, राधा रस के लिए प्रकाशित हो चुकी है। सूर सागर और साहित्य लहरी उनकी प्रमुख कृतियां हैं। सूर सागर का आधार श्री भागवत है। भागवत के समान इनमें भी 12 स्कंद हैं। प्रथम स्कंद में विनय पद, भाया, विधा, तृष्णा, भक्ति महिमा से भरा हुआ है। सूर सागर के दसम स्कंद में पूर्वार्ध में कृष्ण जन्म, बाल लीला और भ्रमर गीत की रचना 4,160 पदों की है। दशक स्कंद उत्तार में जरासंघ, युद्ध, द्वारका निर्माण, रुक्मणी हरण, शिशुपाल वध, सुभद्रा, अर्जुन विवाह आदि अंकन है। 149 पदों में किया गया है। सूरदास का ग्रंथ सूर सरावली और ब्रज वर्णन, कृष्ण जन्म, पूतना वध, संकट भजन, ब्रह्मण गीत आदि प्रसंग है। सूर की भक्ति पद्धति पुष्टि मार्गीय भक्ति है। इस भक्ति को अपनाने के बाद प्रभु स्वयं अपने भक्त का ध्यान रखते हैं। भगवान का अनुग्रह ही भक्त का कल्याण करके उसे इस लोक से मुक्त करने में सफल होता है। जा पर दीना नाथ ढरे, सोई कुलीन बड़ो सुंदर, सोई जा पर कृपा करे, सूर पतित तरी जाए, जनक तनक में जो प्रभु नेक ढरे। सूर की रचनाओं का तत्कालिक समाज जीवन में कतई संबंध नहीं था। वे पहले भक्त और बाद में कवि थे। तुलसी के समान सूर को लोक संग्रह की भावना नहीं मिलती है। वे वस्तुतः कृष्ण में ही लीन हो चुके थे। सूरदास से प्रेम और विरह के द्वारा सगुण मार्ग में कृष्ण को असाध्य माना है। उनके कृष्ण सखा रूप में भी सशक्तिमान परमेश्वर है। विष्णु, हरि, राम आदि सब कृष्ण के ही नाम हैं। निगुण ब्राह्म्य ये ब्रह्मा के ये सगुण नाम हैं। वात्सल्य वर्णन के प्रथम कवि सूरदास हैं। सूरदास ने वात्सल्य का कोना कोना झांका है। वात्सल्य के अंतर्गत दशा का वर्णन सूरदास ने वर्णन किया है। तोतली बोली, माखन चोरी, माँ के बच्चों के लिए लोरी गाना आदि। माँ छोटे कृष्ण को झूठ मूठ का प्रलोभन दिखाकर दूध पिलाती है, तब कृष्ण माँ को पूछते हैं, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कति बार मोही दूध पियत भई, यह अजहूँ है छोटी। बलदेव द्वारा छेड़छाड़ होने पर माँ को शिकायत करते हुए बाल कृष्ण, मैया मोहु दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल ही लिन हो, तू ज सुमति कब जय हो। अतः सूरदास वात्सल्य वर्णन में महानायक हैं। आचार्य द्विवेदी लिखते हैं, संसार के साहित्य की बात कहना तो कठिन है, क्योंकि वह बहुत बड़ा है और उसका एक अंश मात्र हमारा जाना है। परंतु हमारे जाने हुए साहित्य में इतनी तत्परता, मनोहारिता और सरसता के साथ लिखी हुई बाल लीला अलभ्य है। सूर के श्रृंगार में रति स्थायी भाव का पूर्ण और अलौकिक परिपाक हुआ है। सूर की गोपियों में प्रेम के संस्कार पक्के हैं, वे भावना प्रधान हैं। नंददास की गोपियों के समान वकील नहीं, वास्तव में सूरदास की राधिका शुरू से आखिर तक सरल बालिका है।
उनके प्रेम में चायड़ीदास राधिका की तरह सास ननद का डर नहीं है, और विद्यापति की किशोरी राधिका के समान रुदन में हास और हास में रुदन की चातुरी भी नहीं है। सूर ने बड़ी सच्चाई के साथ प्रेमी हृदय में रति की उत्पत्ति, प्रिय मिलन की लालसा, प्रिय मिलन का हर्ष और चापल्य है। साहस और उन्माद ऐसा प्रभाव उत्पादन चित्रण किया है कि एकांगीपन खटकता नहीं। राधा और कृष्ण की युगल लीलाओं के वर्णन में सूर ने अपनी समस्त प्रतिभा और सकल काव्य कौशल उपयोग किया है। यह सारी प्रेम कहानी आध्यात्मिक भूमि पर प्रतिष्ठित है। उसमें आत्मा का उज्जवल प्रकाश और सर्वत्र भक्ति रस है। राधा और कृष्ण के अति अप्रतिम सौंदर्य पर सभी गोपियों को मुग्ध है। प्रेम की उत्पत्ति आँखों से होती है। औचक ही देखी राधा नैन विशान भाल देहसेरी, नील बसन फरिया कटी पहिरे बेनी पीठी रुलती अख सोरी, सूर श्याम देखन ही रिझे नैन नैन मिली पटी ठठोरी। सूरदास ने अपनी रचनाओं के लिए ब्रज भाषा का प्रयोग किया है जो लोक प्रचलित थी। कृष्ण साहित्य के कारण ब्रज भाषा अत्यधिक विकास हुई है। उसमें सूर और नंददास का योगदान महत्वपूर्ण है। डॉक्टर गणपति चंद्र कहते हैं, सूरदास और नंद जैसे प्रतिभाशाली कवियों के हाथ में पढ़कर ब्रज भाषा चमक उठी। उसका शब्द भंडार तत्सम तद्भव शब्दों में परिपूर्ण हो गया तथा उनकी व्यंजकता और प्रभावशीलता के गुण आ गए। उनके हृदय की भावधारा से आप्लवित होकर उसमें ऐसी मधुरता, कोमलता और स्तिंगनता आ गई कि वह परवर्ती कवियों के लिए अनुकरणीय हो गई। छंदों में सूरदास की रचना सूरदास, कुछ स्थानों पर रोला और चौपाई का प्रयोग हुआ है। अलंकारों का सबसे ज़्यादा प्रयोग सूर की रचनाओं में हुआ है। सूर सागर में रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि तथा साहित्य लहरी में भी अलंकारों का प्रयोग किया गया है। नंददास अष्टछाप कवियों में सूर के बाद स्थान नंददास का है। वे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कवि थे। नंददास का जन्म 1533 ईस्वी में हुआ था और चाचा आत्माराम इन्हीं आत्माराम के पुत्र तुलसीदास थे। तुलसीदास और नंददास ने सैसों में सोरों में रहकर ही नृसिंह पंडित से संस्कृत भाषा का ज्ञान अर्जित किया था। नंददास भी तुलसी के साथ काशी में चले गए और वहां शास्त्रों का अध्ययन किया। गोकुल में विट्ठल दास से दीक्षा ली और इन्हीं दिनों सूर के संपर्क में आने पर सच्चे कृष्ण भक्त बन गए, जिसके अंतिम दिनों में वे अपने गाँव गोवर्धन आ गए। इन्हीं समय उनका 1583 ईस्वी में देहावसान हुआ। इनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 15 बताई जाती है। इन ग्रंथों के नाम इस प्रकार हैं, अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारह खड़ी, श्याम सगाई, सुदामा चरित्र, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, 10 स्कंद भाषा, गोवर्धन दास लीला, नंद दास पदावली आदि। इनमें से रास पंचाध्यायी, भंवर गीत और सिद्धांत पंचाध्यायी इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। नंददास के सभी ग्रंथ ब्रज भाषा में लिखे हैं। गोस्वामी हित हरिवंश का जन्म 1559 ईस्वी में मथुरा के समीप दक्षिण भाग में हुआ। वे राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक थे। पिता का नाम केशव देव मिश्र और माता का नाम तारावती था। ये जाति के गुण ब्राह्मण थे। हित हरिवंश में केवल 84 पदों की रचना ब्रज भाषा में अत्यंत सरस रूप में की है। मीराबाई के जीवन वृत्त तथा गुरु के संबंध में विद्वानों के मतभेद हैं। अनुसंधान के आधार पर यह निश्चित है कि उनका जन्म 1504 ईस्वी में मेड़ता में के समीपवर्ती गांव कुडकी में हुआ। राठौर वंश की मेड़तिया शाखा के प्रवर्तक राव दुग्धा थे। उन्हीं के चतुर पुत्र रत्न सिंह
पुत्र रत्न सिंह की पुत्री थी। राव दूधा भी कृष्ण भक्त थे। मीरा को भी भक्ति के संस्कार उन्हीं से प्राप्त हुए थे। पारिवारिक वातावरण, समाज में प्रचलित लोकगीत, यदा कदा राजमहलों में आने वाले सिद्ध सन्यासियों या रमते योगियों के भक्ति में प्रदेश ही मीरा की पाठशाला बने। लोकगीतों की मधुरता एवं राजसी कला प्रियता ने उन्हें अनायास संगीत प्रेमिका बना दिया, तो साधु संगति के प्रभाव पर उनका हृदय भक्ति और वैराग्य की ओर उत्कृष्ट हुआ, जिसकी अनुगुंज उनकी रचनाओं की सर्वत्र विद्यमान है। मीरा का विवाह चित्तौड़ के राणा संगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से हुआ। मीरा के विवाह के 7 वर्ष पश्चात पति भोजराज की स्वर्गवास हो गया। विधवा हो जाने पर वह अपने आराध्य कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। कुल की मर्यादा को लांग कर सत्संग में जाना देवर विक्रम सिंह को मीरा का यह बर्ताव पसंद नहीं था। मीरा को कष्ट दिया जाने लगा। मीरा ने ससुराल को त्याग दिया और तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हुए वह वृंदावन पहुंची। कुछ दिन ठहर कर द्वारका चली गई और वहां कीर्तन करते हुए मीरा ने शेष जीवन व्यतीत किया। मीरा की पूर्ण अपूर्ण ग्रंथ की संख्या 12 है। इस प्रकार है: गीत गोविंद नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा के पद, राग गोविंद सत्य भाड़ू रूषण, मीरा की गरीबी, रुकमणी मंगल, नरसी मेहरा की हुंडी, हचरित स्फुट फंद पद आदि। कृष्ण भक्त साहित्य की मीरा साहित्य में अनुभूति की तीव्रता अधिक दिखाई देती है। कृष्ण भक्तों ने राधा गोपियों के माध्यम से अपने भक्ति भाव को अति अभिव्यक्त किया है, किंतु मीरा कृष्ण को संबोधित करती है, वह उसे पति के रूप में देखती हैं। कृष्ण के अलावा उनके अन्य जीवन में किसी का स्थान नहीं है। वह कृष्ण के वियोग में दर्द झेलती रहती हैं। बिरहनी बावरी सी भई, ऊंची चढ़ी अपने भवन में टेरत हाय तई, ले अचरा मुख अशुभन पोछत उधर एकात सही, मीरा के प्रभु गिरधर नागर बिछुवत कछु न कही। मीरा की रचनाओं में बिरह रस के साथ साथ संत रस का भी प्रयोग मिलता है। मीरा के काव्य की भाषा राजस्थानी ब्रज है। उनके पदों में गुजराती का फूट तथा खड़ी बोली और पंजाबी का भी प्रभाव दिखाई देता है। छंदों का भी प्रयोग और अलंकारों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि का प्रयोग उनका काव्य रचनाओं में मिलता है। रसखान का जन्म के संबंध विद्वानों में मतभेद है, किंतु विद्वानों के अन्वेषण के आधार पर उनका जन्म 1533 ईस्वी माना जाता है। रसखान ने गोस्वामी विट्ठल दास से दीक्षा ली थी। उनका सन 1614 ईस्वी लिखा गया काव्य प्रेम वाटिका का अंतिम कृति है। इसकी रचना में कुछ ही वर्ष 1618 ईस्वी के आसपास उनका देहावसान हो गया। रसखान की प्रमुख 4 रचनाएं प्रमाणित मानी जाती हैं: सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम। उनका सुजान रसखान में 272 कवित सवैया दोहे हैं, जिसमें भक्ति, प्रेम, राधा कृष्ण की रूप माधुरी, वंशी मोहिनी एवं कृष्ण लीला संबंधी अंत्य सरस प्रसंग है। प्रेम वाटिका में 53 दोहों में उन्होंने राधा कृष्ण का प्रेमोत्थान में मालिन माली मानकर प्रेम में गुण तत्व की सूक्ष्म निरूपण किया है। दान लीला में गोपी कृष्ण संवाद है। अष्टयाम में 26 दोहों में श्री कृष्ण के प्रातः जागरण से रात्रि शयन पर्यंत उनकी दिनचर्या का विभिन्न क्रीड़ाओं का वर्णन है। रसखान की गणना भक्त कवियों में की जाती है। उन्होंने कृष्ण, श्री कृष्ण की पर मुग्ध कोपिया राधा की मन स्थिति के माध्यम से रसखान ने श्रृंगार की मधुर अभिव्यंजना की है। उन्होंने श्री कृष्ण के बाल रूप की माधुरी का वर्णन इस प्रकार किया है: धूरी भरे अति सोमित श्याम जू वैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजती प्री कछोटी, वा छबि को रसखानी बिलोकत भारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग बड़े सजनी हरिहाथ सो ले गयो माखन रोटी। रसखान की भाषा साहित्यिक ब्रज है।
माधुर्य और प्रसाद गुणों के कारण काव्य भाषा को सरस और सजीव बना दिया है। उनके काव्य में कवित्व, सवैया, छंदों का सफल प्रयोग है। कृष्ण भक्ति शाखा की समान प्रवृत्तियाँ। कृष्ण भक्ति संबंधी अनेक संप्रदायों का निर्माण इस काल में हुआ, जैसे माधवाचार्य का द्वैताद्वैतवाद, विष्णु स्वामी का शुद्ध द्वैत, निम्मार्क का निम्मार्क संप्रदाय, पुष्टि संप्रदाय, चैतन्य गौड़ीय संप्रदाय, गोस्वामी हित हरिवंश का राधा बल्लभी संप्रदाय, स्वामी हरिदास का सखी संप्रदाय आदि कृष्ण भक्ति संबंधी संप्रदाय प्रचलित हैं। इनमें से श्री कृष्ण को मानवीयकरण किया गया है। हिंदी में कृष्ण भक्ति काव्य का आरंभ सामान्यतः विद्यापति से माना जाता है। विद्यापति के चित्रण में मादक सिंगारी चित्र अधिक है, जिसमें भक्ति का अभाव है। कृष्ण काव्य में प्राण का संचार करने भरने का श्रेय महाकवि सूरदास जी को जाता है। सूरदास के द्वारा ही कृष्ण काव्य का अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई। सूरदास के अतिरिक्त अष्ट छाप के अन्य कवियों ने भी कृष्ण भक्ति शाखा के विकास में योगदान दिया है। कृष्ण भक्ति काव्य की सामान्य प्रवृत्ति तथा विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। श्री कृष्ण लीला वर्णन। कृष्ण भक्त कवियों में ने अपनी काव्य रचनाओं में कृष्ण की लीलाओं का गान किया है। भगवान श्री कृष्ण तीन रूप प्रचलित है, धर्मो तेष्टा ऋषि, नीति विषादरद क्षत्रिय नरेश तथा गोपाल कृष्ण एवं गोपी बल्लभ रूप में ही प्रधान हो गया। श्री कृष्ण भक्त कवियों ने लोक रंजनकारी कृष्ण की लीलाओं के उन्मुख गान लीला नंद के रूप में किया है। लीला का मूल उद्देश्य अखंड आनंद में जीवन के अत्याधिक परिपूर्णता की अभिव्यंजना करना है। उन्होंने बाल गोपाल की वात्सल्यपूर्ण लीलाएँ, संख्य रूप लीलाएँ तथा माधुर्य भावपूर्ण लीलाएँ ही समस्त मध्यकालीन हिंदी कृष्ण भक्ति काव्य में व्याप्त हैं। कवियों ने उस अखंड आनंद को चरम रूप स्त्री पुरुष में रति भाव में कल्पित किया। निम्बार्क, चैतन्य, हरिवंश और हरिदास इन सभी कृष्ण भक्ति संप्रदायों में माधुर्य भाव का सर्वाधिक महत्व है। गोपी कृष्ण की प्रेम लीलाओं का गायन, श्रवण, स्मरण एवं चिंतन ही कवि कर्म की तीसरी रीति बन गया। सूरदास ने श्री कृष्ण लीलाओं का वर्णन अत्यंत सूक्ष्म अध्यात्म भावना, मानसिक विरात्व और अत्यंत संयम से किया है। आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी लिखते हैं, लीला गान में भी सूरदास का प्रिय विषय था प्रेम। माता का प्रेम, पुत्र का प्रेम, गोपियों का प्रेम, प्रिय और प्रिया का प्रेम, पति और पत्नी का प्रेम, इन बातों से ही सुर सागर भरा है। अतः कृष्ण भक्त के कवि सगुण लीला भक्ति में विश्वास करते हैं। विषय वस्तु में मौलिक उद्भावना। कृष्ण भक्ति काव्य की मूल प्रेरणा भागवत पुराण माना जाता है। कृष्ण भक्त कवियों ने भागवत के दसम स्कंद का आधार लेकर श्री कृष्ण की लीलाओं का गान किया है। मध्यकाल में भागवत पुराण बहुत लोकप्रिय था। कृष्ण भक्त कवियों ने केवल अनुवाद न कर मौलिक उद्भावना से काम किया लिया है। भगवती कृष्ण निर्लिप्त, जबकि हिंदी कवियों के कृष्ण गोपियों की ओर स्वयं उन्मुख होते हैं और अपना हृदयकारी लीलाओं से उनके हृदय को जीतते हैं। भागवत में श्री कृष्ण ब्रह्मत्व हैं। हिंदी कवियों ने कृष्ण कम अलौकिक है, वे बाल रूप में बाल लीलाएं और युवा रूप में प्रणय लीलाएं करते हैं। भागवत में राधा का कोई उल्लेख नहीं है किंतु हिंदू कवियों ने राधा कल्पना द्वारा प्रणय चित्र में एक अलौकिक भव्यता लाई है और गोपियां भी एक निष्ठा का भाव रखने वाली हैं। इन कवियों ने जयदेव और विद्यापति का आधार लेकर अथेष्ट कल्पना शक्ति से काम लिया है। विद्यापति ने राधा और कृष्ण के प्रेम वर्णन में जहाँ स्थूलता और उदात्मकता है, वहाँ इससे नवीन रंग रूप भरकर उसे निखार दिया है। इन्होंने लोक प्रचलित कृष्ण लीलाओं का सदुपयोग करके कृष्ण भक्ति की अभिवृद्धि में एक नवीन योगदान दिया। इन कवियों ने अपने युग तथा समाज के वातावरण के अनुसार अनेक नवीन प्रसंगों का उद्भावना की है। सामाजिक पक्ष।
कृष्ण भक्ति काव्य लीला होते हुए भी तत्कालिक सामाजिक धार्मिक और सांस्कृतिक दशा का यथार्थ वर्णन कृष्ण भक्ति के काव्य में मिलता है। सूर ने भागवत में कुछ अन्य प्रसंगों को चुनकर तत्कालिक जीवन का उद्देश्य हीनता और इंद्रिय परायणता की आलोचना की है। कलयुग के प्रभाव का वर्णन करते हुए इन कवियों ने वर्णाश्रम धर्म पतन सामाजिक कुरीतियाँ और धार्मिक विनम्रताओं का चित्र प्रस्तुत किया है। कृष्ण भक्त कवियों की साधना व्यक्तित्व तो होते हुए भी लोक मंगल की भावना है। ऐतिहासिक पक्ष। कृष्ण भक्ति काव्य के कवि मथुरा वृंदावन में थे, फिर भी दिल्ली की राजनीति उन पर कोई असर नहीं पड़ा, किंतु इनके साहित्य इनके अपने देश की ऐतिहासिकता अवश्य दिखाई देती है। सूरदास के अतिरिक्त अष्टछाप के अन्य कवियों ने बल्लव कुल का परिचय दिया और राधा वल्लभी भक्तों ने हित हरिवंश को अवतार मानते हुए यशोगान किया। कई भक्त कवियों ने उनके भक्तों के चरित्रों को अंकित किया है। इन सबको ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। अष्टछाप के कवियों में तत्कालिक सुंदर संस्कृति झांकी मिलती है। वात्सल्य रस के चित्रण। वात्सल्य और श्रृंगार के चित्रण में कृष्ण भक्त कवि अद्वितीय हैं। सूर वात्सल्य और वात्सल्य सूर हैं। उन्होंने कृष्ण के रूप में बालक के विभिन्न चेष्टाओं व क्रियाओं का चित्रण सहज स्वाभाविक ढंग से किया है। वात्सल्य रस के अंतर्गत जितनी मनोदशाएं क्रीड़ा तक के विधान हैं उन सबका हृदयकारी वर्णन कृष्ण भक्ति कवियों ने किया है। सूरदास के कुछ उदाहरण दृष्टव्य हैं। मैया मोहि तो खिजायो, मैया कबही पढ़ेगी चोटी, कितित बार मोहि दूर पीवत भई, यह अजहु है छोटी। पात्र एवं चरित्र चित्रण। कृष्ण भक्ति काव्य के कवियों ने कृष्ण जीवन के कोमलतम अंशों को अपने काव्य का विषय बनाया है। कृष्ण कथा के नायक श्री कृष्ण के मानव और अति मानव का विरोधी तत्वों का है। वे बाल गोपाल तथा सांवले सलोने छलिया कृष्ण के साथ संबंध पात्र नंद असोदा गोप गोपी और सखा उद्भव है। कृष्ण अवतार का उद्देश्य लीला है। इस पात्रों का उद्देश्य लीला में शामिल होना। राधा रस रूपिणी है जिसकी चरित्र के दो पक्ष है। वास्तव में कृष्ण से अभिन्न है किंतु व्यवहार में कृष्ण प्रेम और उत्तरोत्तर विकसित करने के लिए चरित्र किया गया है। भक्त कवियों ने उद्धव के माध्यम से बुद्धि और तर्क प्रभाव मस्तिष्क पर हृदय ज्ञान पर भक्ति और निगुण और सगुण पर विजय दिलवाई है। इस वीडियो में इतना ही, बाकी आगे पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।